हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सांभर की बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुअर की दाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी तुअर की दाल ली है। इसे आपको अच्छे से 1 से 2 बार धो लेना है और इसमें पानी डालकर भिगा कर इसे आपको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। दाल जब तक भीग रही है हम कुछ सब्जियां कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ में लौकी कट की है, बैंगन है, ड्रमस्टिक जिसे सहजन भी कहते हैं, और 1 कटोरी टमाटर है। दाल भीग चुकी है। दाल को कुकर में डालेंगे जिसमें हमने भिगा के रखा था, इसी की क्वांटिटी के हिसाब से हम पानी डालेंगे। टमाटर हमने डाल दिया है। भीगने के बाद दाल इस कटोरी में 1 कटोरी फुल हो गई थी, तो हम इसके हिसाब से इसका 4 गुना पानी लेंगे, यानी मैं 4 कटोरा पानी डाल रही हूँ। इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक। अब किसी बड़े बर्तन में सारी सब्जियों को एक लाइन से ऐसे रख देंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, हमें ऐसे ही कुकर के अंदर ही इसे पानी के ऊपर रख देना है और ढक्कन बंद करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटियां लगा देंगे। जब सीटी एकदम निकल जाए तो हम इसको खोलेंगे कुकर को। अब इसे आराम से अच्छी तरह से सब्जियों को निकाल दें। सब्जियां भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। दाल भी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम कोई मथानी लेकर के इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फेंट देंगे, जिससे दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टमाटर के जो भी बड़े साइज़ के टुकड़े दिख रहे हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाएँ। सब्जियां में बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 प्याज, लहसुन और अदरक ली है। इसे रफली कट कर लेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 1 बड़ा चम्मच आपको तेल डालना है। 1 मैंने हरी मिर्च कट कर ली है, इसे डालेंगे तेल में, और जो हमने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है इसे तेल में डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 1 से 2 मिनट तक और भुनना है। प्याज अच्छी तरह पक चुकी है। दाल को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे और जो हमने भी मसाला तैयार किया था उसे इसी दाल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में पानी डाल करके इसका मसाला चारों तरफ से निकाल लिया है और इस पानी को भी हम दाल में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और मिला देंगे क्योंकि अभी सांभर हमारा गाढ़ा लग रहा है। इसमें 1/2 चम्मच नमक और डाल दिया है मैंने। 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो जिससे सांभर थोड़ा सा खट्टा और मीठा बनेगा। इसे अच्छी तरह से बीच बीच में चलाते रहें। अब मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब सांभर मसाला डाल रही हूँ। ये एवरेस्ट का सांभर मसाला है, आप जो भी चाहो मसाला डाल सकते हो।
इसे अच्छी तरह से घोल देंगे हम दाल में। मसाला कम लग रहा था इसलिए मैंने आधा चम्मच और सांभर मसाला डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े नींबू का रस, आप चाहो तो इमली भी डाल सकते हो। इसे 1 से 2 बार आने तक अच्छी तरह पकाएंगे। दाल में जब अच्छी तरह से 1 से 2 बार आ जाए तब इसमें जो हमारी पकी हुई सब्जियां हैं उसे डालेंगे, क्योंकि सब्जी पहले से ही बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अगर ज़्यादा इसे और पकाएंगे तो पूरी सब्जियां टूट सकती हैं। सांभर बन चुका है, अब हम सांभर में तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है तड़का पैन में, 1 चम्मच राई डालेंगे और इसे चटकने देंगे। कड़ी पत्ता, 2 मैंने बड़ी मिर्च ली है, एक चुटकी हींग डाल लेंगे। तड़का बन चुका है, अब इसे आराम से इसे आप सांभर में डाल दें और फ्लेम को बंद कर दें। सांभर हमारा बन चुका है, अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें। डोसा हो या इडली उसके साथ गर्मा गर्म सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।